मैंने ना ये तुम्हारे मुंह में डाल देनी है मिर्ची। ये बंदा जो है ना हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता है, इतना मुझे तंग करता है ना ये लड़का। तो दरअसल लगी हुई है भूख, इसलिए बार बार मुझे तंग कर रहा है, और इसको पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ। बार बार पूछ रहा है क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बना रही हो। वो मेरी मम्मा आ रही है। मम्मा क्या बना, क्या क्या है आपके हाथ में? चाय है? चाय पी रहे हो? मैं एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं किचन में बना रही हूँ कटलेस। आज इतने दिनों के बाद हम लोग कटलेस खाने लगे हैं। आप लोग यकीन करेंगे कम से कम 3 मंथ्स तो हो गए हैं हम लोगों ने कटलेस नहीं खाए थे। फिर मैंने सोचा कि आज बाकी बना ही लेती हूँ यार, सब लोग तो बोल रहे हैं कि हमने कटलेस नहीं खाए इतने दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बना ही लेती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने अभी मैं तैयार कर रही हूँ इनका मसाला। सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग, और आज आई हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं किचन में बना रही हूँ कटलेस। आज इतने दिनों के बाद हम लोग कटलेस खाने लगे हैं। आप लोग यकीन करेंगे कम से कम 3 मंथ्स तो हो गए हैं हम लोगों ने कटलेस नहीं खाए थे। फिर मैंने सोचा कि आज बाकी बना ही लेती हूँ यार, सब लोग तो बोल रहे हैं कि हमने कटलेस नहीं खाए इतने दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बना ही लेती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने अभी मैं तैयार कर रही हूँ इनका मसाला। इसे नहीं खड़ा है, ओए रुक जा यार, इसके काम देखो। अब उठा के भाग गया, इधर आना सरी, मैं ना तुझसे ये सारा ठीक करवाऊंगी, सही है ना। ये देखेगी, ये बन रहा है कटलेस का मसाला। ये मैंने ना अभी आलू को, सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल किया था, ठीक है, फिर इसमें मसाले डाल के, तो फिर इसको मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये लड़का चाय पी रहा है, मुझे दे दो चाय अपनी। ओ तुम इतने अच्छे बन गए हो, देखो इसने मुझे चाय दे दी। पहली दफा ये बंदा इतना अच्छा बन गया, ऐसे इतना अच्छा है नहीं। क्या ये मेरी है यार, ये बड़े मेरे साथ प्रैंक करता रहता है, वही तो मैं सोच। गाइस इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना अभी व्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं उठती लेट हूँ। ओए फिर रुक, मैं तुझे बताती हूँ इसकी मतलब। ओए तुम्हें क्या, रुको मैंने ना ये तुम्हारे मुंह में डाल देनी है मिर्ची। ये बंदा जो है ना हर टाइम मेरे पीछे पड़ा रहता है, इतना मुझे तंग करता है ना ये लड़का। मैं भी इसको बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, पर अभी जब मेरे हाथ में कैमरा हो ना, फिर मैं थोड़ी सी शरीफ बन जाती हूँ। मुझे व्लॉग एंड करने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, रुकना जरा तू यहीं पे। तो दरअसल लगी हुई है भूख, इसलिए बार बार मुझे तंग कर रहा है, और इसको पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ। बार बार पूछ रहा है क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बना रही हो। वो मेरी मम्मा आ रही है। मम्मा क्या बना, क्या क्या है आपके हाथ में? चाय है? चाय पी रहे हो? ये यहाँ पे ना आप चाय पीने बैठ गए, तेरी चाय सारी मैं छीन लूँगी। अच्छा तो भाई जब मैं जा रही हूँ किचन में, अपना जो अधूरा काम है वो मुकम्मल कर लूँ, जल्दी जल्दी से कटलेस बनाऊँ। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा अभी जो है ना, फिर मैंने इनको फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के लिए आपको अंडों की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि एग्स का आपने पेस्ट बनाना होता है, और उसमें जो है ना कटलेस को फ्राई करते जाना होता है, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ होती है, बहुत आसान रेसिपी होती है अगर आप लोग बनाएं तो, लेकिन दिल से बनानी है। मैं कभी कभी दिल से नहीं बनाती ना, तो अक्सर ये होता है कि मेरे जो कटलेस हैं ना वो जल जाते हैं, लेकिन आज मैंने बहुत दिल से बनाए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल से बनाए हैं, इसलिए अब ठीक ही बनेंगे, ओबियसली ठीक ही बनेंगे। जल्दी हो जाओ, ठीक है। अब इनको ना कटलेस की शेप देनी है, ठीक है। इतना मसाला लेके तो आपने गोल गोल सी शेप देनी है।
जैसे ये शेप है, ये बन गए। इसी तरह मैं और भी बहुत सारे बना दूँ। कैसे बना रही हो? ये पता है क्या होगा, पहले मैं इनकी ऐसी शेप देते जाऊंगी, गोल गोल इसकी शेप देंगे, ठीक है? फिर इनको क्या करना होता है ना कि इनको ये मैं यहाँ पे डालूंगी ना, अंडे को फेंट के ना, अंडों में इनको ना इस तरह से डिप करना होगा। डिप करने के बाद इनको हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। फिर ब्रेड क्रम्स के साथ तो डिप हुए होंगे ना, मिले हुए होंगे, तो फिर ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा लेंगे वो वाले, ठीक है? और उसके बाद जाके उसे ऑयल में फ्राई करेंगे, ऐसे बनते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे दो ही बनाना। तू दो ही खाएगा? कितना अच्छा है, तू सिर्फ दो ही खाएगा। एक बात बताऊं, ये इतने हैवी होते हैं ना, ये एक ही खाया जाता है, तो मैं तुम्हारे दो बना दूंगी, दो खा लिए। चलो फिर आधा बनाओ। नहीं नहीं दो खा लिए जाते, मैं भी दो खाती थी। ये प्याज नहीं डाला पागल, ये वाला नहीं डालना, ये इसको ना गमले में डालना है क्योंकि ये जम रहा है ना। मेरा प्याज है ये देखो, ये शैतानी खिलौना इधर भी आ गया था बट टूट गया है खुशी से। अल्लाह ही से वो तो सनी बड़ी गंदी चीज है। कैसे बना रही हो? ये पता है क्या होगा, पहले मैं इनकी ऐसी शेप देती जाऊंगी, गोल गोल इसकी शेप देंगे, ठीक है? फिर इनको क्या करना होता है ना कि इनके मैं यहाँ पे डालूंगी ना, अंडे को फेंट के ना, अंडों में इनको ना इस तरह से डिप करना होगा। डिप करने के बाद इनको हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। फिर ब्रेड क्रम्स के साथ तो डिप हुए होंगे ना, मिले हुए होंगे, तो फिर ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा लेंगे वो वाले, ठीक है? और उसके बाद जाके उसे ऑयल में फ्राई करेंगे, तो ये ऐसे बनते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे दो ही बनाना। तू दो ही खाएगा? कितना अच्छा है, तू सिर्फ दो ही खाएगा। एक बात बताऊं, ये इतने हैवी होते हैं ना, ये एक ही खाया जाता है, तो मैं तुम्हारे दो बना दूंगी, दो खा लिए। चलो फिर आधा बनाओ। नहीं नहीं दो खा लिए जाते, मैं भी दो खाती थी। ये प्याज नहीं डालना पागल, ये वाला नहीं डालना, ये इसको ना गमले में डालना है क्योंकि ये जम रहा है ना। मेरा प्याज है ये देखो, ये शैतानी खिलौना इधर भी आ गया था बट टूट गया है खुशी से। अल्लाह ही से वो तो सनी बड़ी गंदी चीज है। सो फाइनली गाइस, जो हमारे कटलेट्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए थे, बस इनको ना ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई करना था, और अभी इस तरह से रेडी हो चुके हैं, ठीक है? अभी ये मैंने प्लेट बनाई है, इसमें मैंने दो कटलेट्स रखे हैं और साथ मैंने रायता रखा है। ये मैंने रायता बनाया था, ये मैंने सलाद बनाई थी, और ये साथ मैंने टमाटो केचप रखी है, और ये प्लेट बहुत मज़े की, और ये साथ मैंने चपातियाँ मंगवाई हैं, ये मैंने बाहर से मंगवाई हैं, और अभी हम लोग खाना शुरू करने लगे हैं। आज का खाना बहुत टेस्टी होने वाला है, तो सनी ये लो, ये टेस्ट करके बताओ मुझे कैसा बना। मज़े का? वाह भाई, सनी ने कह दिया मज़े का मतलब मज़े का। अब खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह।